बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपको पिछले दोनों वीडियोस काफी पसंद आए होंगे। पहला वीडियो तो काफी अच्छा रहा, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट भी रहा, और दूसरे वीडियो के लिए अभी बहुत जल्दी होगा बताना, तो इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया। अब चलते हैं हम लोग इस नए वीडियो की तरफ। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंच सके। तो चलिए अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यहां पर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, किसी चीज के नाम रखने की जो प्रोसेस है या प्रतिक्रिया है उसको बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। तो हमें कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और उन कंपाउंड्स का हमको नामकरण करना है। अब इसमें हम लोग आईयूपीएसी के कुछ रूल्स देख लेते हैं। बेसिक रूल्स तो आप लोग 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी रूल्स देख चुके हैं। इसमें सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम द एंड वेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, और फिर नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लोकेंट नंबर लिखो, यूज डाई ट्राई टेट्रा, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे रूल्स आपने देखे हैं। मैंने आपके लिए इनके नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स को तीन बेसिक पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है? और आपको यही तीन पॉइंट ध्यान रखना है। आप लोग अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर ये तीन बेसिक पॉइंट्स का यूज करके कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, ये तीन बेसिक पॉइंट्स में हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। आपको यही तीन बेसिक पॉइंट का ध्यान रखना है, आप सारा नॉमेनक्लेचर लिख पाएंगे, और हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विद अ फ्यू एग्जांपल्स। तो देखिए, यहां पर मैंने पहला पॉइंट जो डाला है वो पहला पॉइंट क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शर्त क्या होनी चाहिए कि वो चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए, मतलब उस चेन में फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। तो हमें ऐसी ही लॉन्गेस्ट चेन चुनना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नंबर द कार्बन चेन, कौन सी तरफ से, फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एंड से हम लोग उसको नंबर करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक होगा या जिस एंड से सबसे नजदीक होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में मैंने दो पॉइंट जोड़ दिए हैं, एक तो डाई ट्राई टेट्रा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और अगर अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनके लिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहां पर अगर वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और इसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रांच होता है। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो ब्रांच होगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ठीक है? तो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स, और इन ही तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। तो चलिए अल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बना दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स के हम लोग कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम्स को डिस्कस करेंगे, हमारे उन तीन रूल्स को ध्यान में रखते हुए जो अभी हमने डिस्कस किए। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इस एग्जांपल में कितने कार्बन है बच्चों, सिर्फ एक कार्बन है, और यहां पर लॉन्गेस्ट चेन का सवाल ही नहीं उठता है। चेन कब होगी, जब एक से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। यहां पर एक ही कार्बन एटम होने की वजह से ये एक ही है। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक है बच्चों, अब चलते हैं यहां देखते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है बच्चों, मीथेन होता है। तो हम लोग मीथेन लिख दिए। अब क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो मीथेन के ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एल्डिहाइड के ए एल के साथ, मीथेन आर नाम हो गया इसका। इसी तरह अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरे में अगर आप देखें तो दूसरे में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दो कार्बन की है, तो यहां पर इसका नाम दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में वर्ड क्या आता है बच्चों, एसिटा वर्ड आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये दो कार्बन क्या हो गए, इथेन हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, और ये ई रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो इथेन आल हो गया। ऑलराइट बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, नाम वेरी क्लियर, नाम क्या है देखिए, यहां पर प्रोपेन का ई रिप्लेस होकर के एल आ जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि यहां नाम क्या है, तो प्रोपियोनिक एसिड का डेरिवेटिव है ये बच्चों, तो इसलिए यहां पर नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। समझे आप लोग, इसी तरह नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में कितने चार कार्बन एटम है, इनका भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। हमारा सेकंड रूल क्या था, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द एंड विच इज क्लोजर टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के करीब एंड से चालू करना था, तो यहां से ही हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। फोर कार्बन एटम है तो सबसे पहली चीज आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ई रिप्लेस होकर के एल लग जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको याद रखना है कि ब्यूटेन है लेकिन ब्यूटीरा हो जाएगा, किस वजह से, क्योंकि फोर कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटीरिक एसिड कहा जाता है, और कॉमन नेम्स में जो नेम्स डिराइव हो रहे हैं एल्डिहाइड के वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से डिराइव हो रहे हैं, इसलिए नाम हो जाएगा ब्यूटीरिक, इसलिए नाम हो जाएगा ब्यूटीरा एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात बच्चों। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंफ्यूजन चालू होता है, ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ये हो गया सेकेंड कार्बन, और इस कार्बन को ऐसे दो CH3 अटैच्ड है, तो हम लोग कोई भी एक CH3 को लॉन्गेस्ट चेन में ले सकते हैं, तो अगर मैंने ये वाले CH3 को लॉन्गेस्ट चेन में ले लिया तो ये ब्रांच में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 2CH3 है, दो मिथाइल ग्रुप है, तो अब यहां पर नाम क्या हो जाएगा देखिए, 1, 2, 3 प्रोपेनॉल, और सेकंड पर है मिथाइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल पर सेकंड पर मिथाइल है तो हो जाएगा 2-methyl propanol। समझ में आ गई बात बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स में क्या होगा। ट्रिवियल नेम्स में ये होगा कि ये जो है ये कार्बोनिल कार्बन एटम है, और इसके बगल वाला जो कार्बन एटम है ये अल्फा कार्बन एटम है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड 3 कार्बन एटम्स वाला एल्डिहाइड था, और उस 3 कार्बन एटम्स वाले एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर मिथाइल है, तो हम लोग बोलेंगे अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, और यहीं पर कंटिन्यू होगा, ये पूरा एक वर्ड है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड पूरा एक वर्ड है जो कंटिन्यू होगा, इसी तरह मिथाइल प्रोपेनॉल एक वर्ड है, पूरा कंटिन्यू होगा, याद रखना है आपको।
यहां पर देखिए CHO, हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमारे पिछले वीडियो में हमने एक एसिड की बात की थी, वो एसिड क्या था, ये था, और इसका नाम हमने लिखा था ऑक्सैलिक एसिड, अगर आपको याद होगा बच्चों तो। क्या नाम था? ऑक्सैलिक एसिड नाम था। अब उसका डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है, ये एल्डिहाइड, तो इसका नाम है ऑक्सैल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होगा। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, अच्छा ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो यहां पर दो कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इथाइल होता है, और इथेन वर्ड से इसका नाम आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इथेन 1,2-diol, और 1,2 नहीं लिखेंगे क्योंकि दो ही तो कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा इथेन डायआल, और इथेन का ई रिप्लेस हो जाएगा डायआल के साथ। समझ में आ गई बात बच्चों? ये एक लास्ट वाला है। अब ये 1, 2, 3 कार्बन एटम्स है और साथ में डबल बॉन्ड है, तो बच्चों ये प्रोपीन है, बराबर है कि नहीं? अब इस प्रोपीन पर नंबर 1 पर एल्डिहाइड है और इस नंबर 1 के रेफरेंस से सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हमको नंबर 1 का तो 1 नहीं लिखना है लेकिन नंबर 2 का बॉन्ड का नंबर हमें लिखना है, जिसको हम लोग लोकेंट नंबर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और प्रोपीन में कहां पर डबल बॉन्ड है, 2 पर है, इन का ई रिप्लेस होगा किसके साथ, एल के साथ, तो प्रोप 2 इन एल इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? अब इसका कॉमन नेम आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन, तो मैं इसको अलग कलर में लिख दे रहा हूं। क्या कॉमन नेम है? एक्रोलीन नाम है, आपको ये नेम याद रखना है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये सारे एलिफैटिक एल्डिहाइड्स थे। अब वहां पर देखिए मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की चेन बना दी है, वो एग्जांपल्स लिख दिए हैं, अब उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ये जो है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की सीरीज है बच्चों। यहां पर देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमारा जो CHO जिसको हमने बबलू बुलाया था, इस बबलू के पास H है, कार्बोनिल कार्बन के पास H है, और ये कार्बोनिल कार्बन को इस बार एलिफैटिक ग्रुप ना अटैच होकर के एरोमेटिक ग्रुप अटैच है, और ये कौन सी रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग है, बराबर है कि नहीं है? तो बेंजीन रिंग होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, बराबर है बच्चों? तो इसका कॉमन नेम भी बेंजाल्डिहाइड है और IUPAC में इसका कॉमन नेम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और इसको बेंजाल्डिहाइड बुला दिया जाता है, लेकिन IUPAC में इसका एक और नेम है, वो क्या है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है। अब इसको देखते हैं, देखिए अगर बच्चों यहां पर ये CHO नहीं होता तो बेंजीन को जब CH3 अटैच्ड था तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉलुइन। ठीक है बच्चों, क्या नेम है, टॉलुइन। लेकिन अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप CHO है और CHO के रेफरेंस में ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका नाम हो जाएगा ओ टॉलवा अल्डिहाइड, ओ टॉलवाल्डिहाइड। नेम थोड़ा फनी जरूर है लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर टॉलुइन जुड़ा है इसको, या टॉलुइन को CHO जुड़ा है, तो ये अल्डिहाइड टॉलवाल्डिहाइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो जहां पर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है वो तो कार्बन नंबर 1 हो गया, और उसके बाद जहां पर मिथाइल अटैच्ड है वो हो जाएगा कार्बन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो 2 पर मिथाइल है और 2 पर मिथाइल किस पर है, बेंजाल्डिहाइड के 2 पर मिथाइल है,
तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl बेंजाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, याद रहे कि 2-methyl बेंजाल्डिहाइड वन वर्ड रहेगा, कंटिन्यूअस वर्ड रहेगा। अब ये देख लीजिए यहां पर क्या है बच्चों, ये CHO है, क्या है CHO। अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात की थी, मैंने क्या बताया था, जब भी कभी हमारे पास बेंजीन रिंग में एसिडिक ग्रुप जुड़ा हो और उसके एडजेसेंट कार्बन पर OH जुड़ा हो तो इसका नाम होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके बच्चों, अब ये जो अल्डिहाइड है यहां पर COOH की जगह क्या है CHO है, तो ये सैलिसाइक्लिक एसिड का डेरिवेटिव है कि नहीं है बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम में सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। तो नाम हो गया सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। अब इसी को अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखिए जहां पर हमारा एल्डिहाइड जुड़ा है वो तो कार्बन नंबर वन है और सेकंड पर OH है, तो OH क्या है हाइड्रोक्सी, तो 2-hydroxy बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, 2-hydroxy बेंजाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, देखिए जगह कम है इस वजह से मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड एक वर्ड होगा, 2 लोकेंट नंबर है किसका, हाइड्रोक्सी का। ऑलराइट, अब यहां पर आते हैं, ये देखिए ये वाला जो है ये इसका भाई नजर आ रहा है, किसका भाई नजर आ रहा है, ऑक्सालडिहाइड का भाई नजर आ रहा है, तो देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा, याद रहे कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है, क्योंकि हमने थैलिक एसिड देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में तो हमने थैलिक एसिड देखा था, जब भी कभी दोनों एडजेसेंट कार्बन पर बेंजीन रिंग के COOH COOH जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। अब ये एल्डिहाइड देखने में थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो इसका नाम क्या हो गया, थैलाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, क्या है, थैला अल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा फनी नेम है, थैले में अल्डिहाइड, इस थैला अल्डिहाइड। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए यहां पर वन पर और टू पर दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम बेंजीन रिंग के हैं और वहां पर क्या है, अल्डिहाइड है कि नहीं है। यहां पर देखिए हम लोग कार्बोअल्डिहाइड यूज कर रहे थे वर्ड, तो कार्बोअल्डिहाइड के लिए यहां पर हम लोग अब दो है तो कार्बोअल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, कार्बोअल्डिहाइड बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-2 कार्बोअल्डिहाइड या बेंजीन 1-2 डाई कार्बोअल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोअल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोअल्डिहाइड। वापिस से, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोअल्डिहाइड। बेंजीन 1-2 डाई कार्बो अल्डिहाइड। ओके बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए, ये यहां पर एरोमेटिक रिंग नहीं है लेकिन रिंग जरूर है, तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड ना हो करके ये एलिफैटिक अल्डिहाइड है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां लिखा है मैंने, ये क्या है, एलिफैटिक है लेकिन यहां पर रिंग है, एलिफैटिक रिंग मौजूद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार ई नहीं हटेगा, इस बार ई आएगा क्योंकि ये साइक्लो है इसलिए इसका ई आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। वहां चलते हैं, वहां पर इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोअल्डिहाइड।
ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ऑल राइट बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा, पर देखिए मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं, आपको यहां पर कुछ कॉमन नेम्स पर ध्यान देना पड़ेगा और इन कॉमन नेम्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा, इसलिए देखिए मैंने इनको रेड इंक में लिख दिया है। ये नेम्स कहां से आ रहे हैं, ये इनके ये जिस कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं वहां से ये नेम्स आ रहे हैं, तो उनको जिसका डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव के नाम के हिसाब से ही एल्डिहाइड का नाम रख दिया जाएगा। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, बेंजीन रिंग को एल्डिहाइड जुड़ा है तो बेंजाल्डिहाइड या बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। यहां पर बेंजीन पे एल्डिहाइड है और सेकंड पर ही मिथाइल है तो 2-methyl benzaldehyde। यहां पर भी देखेंगे 1 पर तो CHO है जो हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, तो बेंजाल्डिहाइड है ये, लेकिन सेकंड कार्बन पर OH है तो 2-hydroxybenzaldehyde। ये थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है इसलिए इसका नाम है थैलाल्डिहाइड। यहां पर क्या हो रहा है, बेंजीन 1-2 डाइकार्बोअल्डिहाइड, यहां पर कार्बोअल्डिहाइड नहीं होगा, कार्बो का ओ आएगा। और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग जुड़ी हुई है जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, और उसके बाद आगे क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा। समझ में आ गई बात बच्चों। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम पर आता है, इसलिए अल्डिहाइड के लिए कहीं भी हमने नंबर नहीं डाला, फंक्शनल ग्रुप के लिए कहीं भी लोकेंट नंबर मौजूद नहीं है, क्योंकि जहां पर आपने अल्डिहाइड का AL लिखा या अल्डिहाइड लिखा वहां पर एक अजम्पशन आप लेकर के चलेंगे कि वो फर्स्ट कार्बन पर ही मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड समझ में आ गया होगा। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स लेकर के, तब तक के लिए इंतजार करिए अगली वीडियो का।